हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपने जो अभी अपनी स्क्रीन पे देखा उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि LNT की तरफ से JET के लिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनीज के लिए रिक्रूटमेंट आ रही है, जिसमें बिल्कुल फ्रेशर्स वाले रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों 2023, 2022, 2021, 2020 पास आउट वाले डायरेक्टली एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ 2019 और 2018 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दो जगह अपॉर्चुनिटी आई हुई है, दो जगह। इसमें एलिजिबल कौन कौन है सबसे पहले बता देता हूँ। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, CS, IT, इसके साथ ECE, सेरामिक, बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। लेकिन कौन कौन सी ब्रांचेस कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं वो इस वीडियो के बीच में पता लगेगा, कि जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ कन्वे की थी कि भाई दोस्तों मेरे यारों, याद रखिएगा एक चीज़ हमेशा, कि आप जो है, जब मैं बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि कोई भी अपडेट आपके हाथों से तभी बच पाएगा जब आप टेलीग्राम चैनल को जाने नहीं दोगे। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे आपको सभी को अपना CV भेज देना है। 300 वैकेंसीज फॉर गर्ल्स के लिए निकली हुई है, तो वो देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जॉब जो रिज्यूम का फॉर्मेट आपको अटैच कर दिया है, वो देख जरूर देख लीजिएगा। उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई है, सेपरेट वीडियो बनाई है, वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। अब मैं बता देता हूँ दो वैकेंसी के बारे में जो आई है JET के लिए, लेकिन आपको कैसे अप्लाई करना है वो आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी समझ में आ पाएगा। दोस्तों एक तो वैकेंसी आई है JET के लिए, एक आई है DET के लिए। एक होता है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, एक होता है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। देखिए जो DET के लिए है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो DET के लिए आई हुई है वो ये रही, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनीज लार्सन एंड टोब्रो की तरफ से आई है। कौन कौन सी ब्रांच के लिए? EC, इलेक्ट्रिकल्स, EEE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल है। कितनी वैकेंसी है जी? 300। कितनी? 300। कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहने वाली है? मैसूर, कर्नाटक, चेन्नई, तमिलनाडु, बेंगलोर, बड़ौदा, गुजरात में। सैलरी थोड़ा कम रहेगी, मतलब 3 लाख रुपये तक आपकी CTC रहेगी, कुल मिला के 30,000 तक आपकी रहेगी यहाँ। लेकिन जो मैं दूसरी दिखाने जाऊँगा उसमें बहुत ज़्यादा रहेगी। मैं आपको इतना बोलूँगा, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे जानने वाले हैं, वो दोनों जगह पे अप्लाई ज़रूर करें। देखिए आपको दोनों को अप्लाई कैसे करना है। जैसे ही आप, सबसे पहले इनमें आपको मिलेगा क्या क्या? सबसे पहले तो ये LNT टेक्नोलॉजी की तरफ से आई है, LTTS सर्विसेज की तरफ से। जो आपकी पोस्टिंग रहेगी बड़ौदा में, चेन्नई में एंड मैसूर में, तो यहाँ आपको DET के लिए, मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए अप्लाई करना है। और आप देखेंगे क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, EC, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें थ्रू आउट कौन कौन से पास आउट को लिया गया है, 2022 और 2023। लेकिन जो मैं दूसरा दिखाने जाऊंगा वो है आप सभी के लिए, तो उसे भी देखिएगा। दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको campus.edutech.com और DET 2023 पे अप्लाई कर देना है। इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, डोमेन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। सबसे पहले मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें आना होगा इसके सॉफ्टवेयर पे, जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की एक सीट दिख जाएगी जहाँ DET अप्लाई लिंक है। जहाँ GET अप्लाई लिंक दूंगा उसको भी मैं दे दूंगा, लेकिन ये पहले आप देख लीजिए। जैसे ये आप, ये कौन सा है आप देखेंगे, आपको स्क्रीन पर डिप्लोमा इंजीनियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डिप्लोमा इंजीनियर हायरिंग गुजरात, LNT इंजीनियर पावर, स्टार्ट नाउ। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, पॉलिटेक्निक नेम,
जो आपका कॉलेज नेम रहा है वो किस डिसिप्लिन से की है। देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ कौन कौन एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीवी, सीएनडी और कंप्यूटर आईटी वाले। तो आप जिस भी ब्रांच से हैं वो मेंशन कर दीजिएगा, टेंथ में आपका क्या रहा, टेंथ में परसेंटेज क्या रही, ट्वेल्थ की परसेंटेज अगर आपने की है, क्योंकि डिप्लोमा जो है टेंथ के बाद ही हो जाता है, तो इसलिए ट्वेल्थ जो है सेकेंडरी है क्योंकि स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। ऐसे ही ITI अगर आपने किया, ITI के बाद आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में गए हैं तो वो मेंशन कर दीजिएगा। आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पास आउट ईयर क्या था, कंप्लीशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ईयर क्या था, परसेंटेज क्या आई, टोटल बैकलॉग्स आपकी कितनी आई डिप्लोमा में, 0, 1, 2। इसके बाद आपका प्रीवियसली इंटरव्यूड LNT में कभी इंटरव्यू हुआ है क्या, अगर हुआ है तो येस, नहीं हुआ तो नो। करंट सिटी आपकी कौन सी है, करंट स्टेट कौन सा है। इसके साथ साथ आपने जो है डिप्लोमा 3 साल में कंप्लीट किया है ना, याद रखिएगा इसको, यस ही किया हो यस ही कीजिएगा, अगर नहीं भी किया हो तब भी यस ही कीजिएगा, नहीं तो ये घुमा देंगे आपको। और इसको यस करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। ये मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो DET के लिए है वो ये था। अब चलते हैं JET की तरफ। अब ये JET क्या है, JET है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वैकेंसी निकली हुई है जो 7 सितंबर को आई थी। दोस्तों इसमें डिप्लोमा की ऑल ब्रांचेस इन्होंने बोला है, डिप्लोमा की ऑल ब्रांचेस और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस 0 to 1 का इन्होंने बोला है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे और जो मैंने बात की है इनसे उसके बाद मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि यहाँ 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 पास आउट वाले एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए और कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो भी मैं बता देता हूँ। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, ENC, CS, CS और IT वाली ब्रांचेस एलिजिबल है। और यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है, ये आपको अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपसे जो है ये ईमेल ID और पासवर्ड पूछेगा। तो अगर आप न्यू यूज़र है तो न्यू रजिस्टर कर लीजिएगा, ओल्ड यूज़र है तो साइन इन करके अपनी पुरानी ID पासवर्ड डाल दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप अपनी डालेंगे तो इस तरीके एक सीट ओपन हो जाएगी। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपसे क्या मांगा जाएगा, सो सिर्फ आपका डाटा से रिलेटेड होता है। सबसे पहले आपको करना है अपना रिज्यूम अपलोड। रिज्यूम अपलोड के बाद आपको बढ़ना है यहां बेसिक इंफॉर्मेशन, जो आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये पर्सनल सेलेक्शन, पर्सनल सेक्शन जो आपकी पर्सनल डाटा लाइक आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये नीचे आपका वर्क सेक्शन, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए ये जो वैकेंसी है ये JET और जहां ट्रेनी आ गया तो वो फ्रेशर्स के लिए ही होती है, तो वो उसे खाली छोड़ दीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा। इंटर्नशिप ये ऑप्शनल है, अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप की है तो ऑप्शनल है। एजुकेशन में आपने हायर डिग्री से लेके लोअर डिग्री तक, मतलब जैसे डिप्लोमा, उसके नीचे मान लीजिए आपका डिप्लोमा के नीचे आ गया ट्वेल्थ या टेंथ या फिर ITI जो भी है आपने मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ गया स्किल्स। स्किल्स क्या होती है दोस्तों, स्किल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स आके फंस जाते हैं। स्किल्स का मैं बताऊं, मैं इसका, अगर आप सभी को अपने ब्रांच के वाइज से स्किल्स जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको स्किल्स जो है पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आप क्या, आपकी लैंग्वेजेस याद रखिएगा, इंग्लिश एंड हिंदी ज़रूर कीजिएगा ये, क्योंकि ये कॉमन है। इसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर अटैच कर दीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ आपको एक चीज़ और अटैच कर दीजिएगा, वो है कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है, अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर का एक छोटा सा फॉर्मेट बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, जिसका डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ से कर देना है इसको सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूँगा कि ऐसा ऑप्शन मत छोड़िएगा, जानने वाले को भी शेयर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ओपनिंग है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।